हाँ, जो कई दिन पहले है बैंकों के पास नाकाबंदी की गई थी, जो एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने कार्रवाई करी थी और हर बैंक के अगर नाका लगाया गया था। एसपी साहब ने निर्देश दिए थे कि कोई भी कैश ना ले जाए छीन करके और कोई चैन सनेक्टिंग ना हो जाए, तो हम डे डोमिनेशन लगाया हुआ था। तो उस दौरान ही ये गाड़ी हमें नाके पर इशारा किया, जिसने सलोक किया और आगे जाकर के फिर भगा ले गया ये लड़का। जो फिर इन्हें बाद में पता नहीं किसने की अपलोड की गई थी इसकी वीडियो, और वीडियो के बाद ये जो आजा नाकाबंदी लगाई गई थी उस दौरान ही ये गाड़ी पकड़ी गई, जिसने हमें इम्पाउंड भी कर दी गई। एक आधा और भी बता रहा, कोई पता नहीं है पहले ये थी कौन थी, इसके बारे में हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है कि भाई ये गाड़ी भी हो सकती है भगा के ले गया। तो एक बता रहा था कि ये पहले भी भगा के लेके गया है, तो हमने इस गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया। ना ही नंबर था और ना इसके पास आरसी थी, ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इन धाराओं के तहत हमने जो कार्रवाई बनती है उसके तहत हमने बंद कर दिया, इम्पाउंड कर दिया। जी उसके जो धाराएं लगा दी हमने, जो सियाग लिखा हुआ था नंबर नहीं था, उनकी धाराओं के तहत हमने बंद कर दिया। उसको सलाह ये देना चाहते हैं कि भाई अपना सब कास्ट है या कोई सियाग लिख रखे ये मत लिखिए, और सिंपली अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एक नंबर के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी के ऊपर अपना सब कास्ट कास्ट या रैंक जो भी है वो नहीं लिख सकता। हाँ, गाड़ी का जो 5,000 रुपये तो ब्लैक फिल्म के हैं, 5,000 रुपये आरसी के हैं, 2,000 रुपये इसके नंबर प्लेट के, और जो इसने इंश्योरेंस नहीं किया 2,000 उसके हैं नंबर प्लेट के, 5,000 रुपये नंबर प्लेट के। इन धाराओं के तहत हमने इनको बनाया।